में जो बैठे हैं इधर में आप मोहन जी सुखानी हैं और ये हमारी संस्था के संरक्षक हैं और आप जानते होंगे होटल इन्हीं का है और जे डब्ल्यू मैरियट भी इन्हीं का है। ये हमारे बहुत हमारे संस्था को बहुत ज़्यादा जरूरी लोग हैं। मैं तो केवल नाम का हूँ और वो हमारे उधर जो बैठे हैं मोहन जी सुखानी के बगल में वो हमारे संस्था और जो हमारी संस्था की अध्यक्ष हैं वो 10-5 मिनट में पहुंचने वाली है सीमा जी से। मैं आपको आज जो हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि 27 अप्रैल को 3 साल पहले हमने इस विश फाउंडेशन का आरंभ शुभारंभ किया। उन्होंने 3 साल पहले इस संस्था को आरंभ किया था। हमारे इस संस्था का उद्देश्य इस फाउंडेशन का उद्देश्य है बच्चों को HIV पॉजिटिव बच्चों को लड़के लड़कियों को लालन पोषण शिक्षा आवास गृह संचालित करना झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना पारिवारिक उनको माहौल देना। इसके अलावा हमारा उद्देश्य यह भी है कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसकी अब हर संभव प्रॉब्लम है उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। अभी जो हमारा विश फाउंडेशन के अंतर्गत प्रोजेक्टों की तरफ काम करने जा रहा है। नहीं देखिए आज हमारा फाउंडेशन डे है। आज के दिन हमने जो है इस संस्था की स्थापना की है और हमारी जो संस्थापक अध्यक्ष हैं श्रीमती सीमा सेठी जी वो जो हैं इसकी संस्थापक अध्यक्ष हैं और हमारा जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि हम अनाथ आश्रम खोलें HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए हम लोग सेवा कर सकें। इसके अलावा वृद्धाश्रम भी हमारा खोलने का एक हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट में एप्लीकेशन लगा रखी है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन लोगों की हम पूरी तरह से हम सेवा कर सकें जो कि उपेक्षित वर्ग है उन बच्चों की हम सेवा कर सकें। ध्रुवदास अग्रवाल मुख्य संरक्षक विश फाउंडेशन आंचल वाली का भी सुनो ये पाटो इस फाउंडेशन का आगे का क्या है। आप एक अम्ब्रेला के नीचे लाने चाह रहे हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को उसके बारे में बता दीजिए। देखिए हमारी जो विचार ये है कि हमें जो बालिका गृह आंचल और बालिका गृह प्लस हम वृद्धाश्रम प्लस HIV पॉजिटिव इसे साथ में हम सोच रहे हैं कि भाई स्कूल की हो जाए व्यवस्था तो तीनों चीज़ एक साथ हो जाए और साथ में स्कूल हो जाती है तो हमारा सारा एक जगह सारा दिमाग रहेगा और उससे सारी चीज़ें एक जगह रह मिलेंगी हमको। ये हमारी सोच है। और रमेश मुंद्रा जो बच्चे विशेषकर बच्चियाँ अपने माँ बाप के लालन पालन से देखभाल से वंचित हो जाती हैं ऐसी बच्चियों को आसरा दे करके शिक्षित करना समाज की मुख्य धर्म लेके आना ये मूल लक्ष्य इस संस्था का है। और जो सक्षम है उनका ये दायित्व है कि समाज के पिछड़े वर्ग वंचित वर्ग के हितों का ध्यान रखें और सबको साथ लेकर समाज का विकास करें। ये संस्था मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य ही है।